नहीं नहीं आप सामने देखिए, एक तो पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। अरशद अली नाम है मेरा। आपकी सिस्टर जब इस लड़ाई को शुरुआत की थी तो क्या आपको अनुमान था कि आज उनको उनकी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और उन जिस लड़ाई को उन्होंने लड़ा है उसमें जीत मिलेगी? एक्चुअली तो ये है, लड़ाई के बारे में तो उनको इतनी नॉलेज ही नहीं थी। जब वो वहाँ से आई थी तो उनकी हालत ऐसी थी कि बच्चों के गम में जो है 6 महीने तक तो उनको ये नहीं पता था मैं कहाँ पर हूँ। ये सारी लड़ाई की जो जिम्मेदारी उठाई थी मैंने ही उठाई थी। सुप्रीम कोर्ट भी मैं ही लेकर आया था इनको, और काशीपुर में अपनी फैमिली कोर्ट में भी मैंने ही केस दायर किया था। उसके बाद में थोड़ी थोड़ी इनको हिम्मत आती रही तो ये थोड़े से नॉर्मल हुई तो तब जाके इन्होंने थोड़ा सा सोचना शुरू किया, बोले कि मुझे क्या करना है अब आगे को। क्योंकि ध्यान इनका बच्चों की तरफ ही रहता था पहले, तो धीरे धीरे नॉर्मल हुई तो उसने जो है अपना थोड़ा सा ध्यान बढ़ाया, ध्यान बढ़ाने की तरफ से इधर को देखा, बोले कुछ करना चाहिए मुझे। फिर बाहर निकल के जब हमने देखा न्यूज़ चैनल पर आए या कहीं भी जाते थे हम, तो वहाँ देखते थे कि इनसे भी ज़्यादा और परेशान पीड़ित महिलाओं को देखा हमने कि जिनके साथ जो है बहुत ही अत्याचार हो रहा था। तब इनका और मन हुआ, बोले कि मेरे साथ तो इतना कुछ नहीं हुआ, जो भी हुआ है मुझसे ज़्यादा और परेशान है। तब जाके इन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई, बोले अब जो भी होगा इस चीज़ के लिए जो है हमें लड़ाई आखिर तक लड़नी है। आपके धर्म में इस तरह के मामलों में कोर्ट में नहीं जाते हैं, कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है। उसके बाद आपने इस लड़ाई को लड़ा, कहीं ना कहीं बीच में एक बार लगा होगा कि नहीं इसको छोड़ते हैं नहीं लड़ सकते? नहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन काफ़ी लोगों ने हमारे ऊपर दबाव डाला था इस चीज़ के लिए, बोले ये धर्म के खिलाफ है, आप अपने इस्लाम के ही खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हो इसमें। यहाँ तक कि काफ़ी लोगों ने कहा, बोला कि आप जो है मुसलमान ही नहीं हो, बोला आपको जो है फतवा दिया जाएगा आपके लिए, बोले आप जो है काफिर हो गए हो। कहीं ना कहीं एक डर बनाया गया फतवे का। हाँ फतवे का डर भी बताया, मौखिक भी हमारे मुंह पे ही कहा गया, मोबाइल पे व्हाट्सएप वगैरह हमारे मैसेज आए, बोला आप जो है इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, आप मुसलमान ही नहीं रहो। काफ़ी तरीके का प्रेशर डाला गया हमारे ऊपर। आज जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है और कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार लाल किले से इसकी घोषणा करते हैं कि ट्रिपल तलाक एक अभिशाप है मुस्लिम आधी आबादी के लिए, और आप पुरुष हैं और एक महिला के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा है। पुरुष और महिला की तो बात की, पहले तो मैं भाई हूँ एक बहन का, और बहन के लिए जो है उसका दर्द जो है भाई के और फादर या माँ के सिवा और बेहतर कौन जान सकता। तो मुझे दर्द था उस चीज़ का जो मेरी बहन के साथ हुआ, तो इसलिए जो है मैंने इस लड़ाई को जो है आगे जारी रखा। अब जब डिसीजन आया तो सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए सरकार से तो मुझे जो उम्मीद थी वो हम उम्मीद को जो है नहीं लगता मुझे, क्योंकि एक मुस्लिम को जो है ना सिर्फ एक जो है मुस्लिम वोट की ही राजनीति से देखी जाती है। क्योंकि मैंने अपने जहाँ की बहन शादी हुई थी हमारी इलाहाबाद यूपी में, तो मैंने योगी जी को एक लेटर लिखा था बहन के सर्विस के लिए, बोला अगर आप इतना मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक को लेते के लिए इतना अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो उनको न्याय के लिए उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए नौकरी दी जाए, पढ़ी हुई है हमारी बहन। तो उसमें जो है फिर मैंने अपने उत्तराखंड सरकार को भी लेटर भेजा था, मुझे 1.5-2 महीने हो गए कोई उसका जवाब रिप्लाई नहीं आया। अच्छा तो हम क्या उम्मीद रखें सरकार से, बोले सरकार हमारे लिए क्या करेगी। तो कहीं ना कहीं आपको अब भी सरकार से आशा है कि आपके सिस्टर के लिए कुछ ऐसी घोषणाएं करें? हाँ हम यही तो चाहते हैं भाई। ऐसे तो हमारे मौलाना भी हमारे साथ कई बार उन्होंने कहा कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, हमें उन पर उम्मीद नहीं थी। सारे मौलाना भी एक से नहीं होते हैं, कुछ कथित मौलाना थे जो हमारे सपोर्ट में खड़े हुए, उन्होंने कहा आप बहुत अच्छा कर रहे हो इससे जो है, बोला आपके ये कदम उठाने से जो है मुसलमानों में जो गलत कुर्तियाँ चल रही थी जिसकी वजह से इस्लाम बदनाम होता था वो लोगों की समझ में आ रहा है, और इसको लोग अब जो है छोड़ रहे हैं, इससे थोड़ी समझदारी आ रही। काफ़ी लोगों ने हमारा इस चीज़ से भी वो कहा। कहीं ना कहीं आप एक मिसाल कायम किया है और देश को एक मैसेज देने काम किया, लगातार परिवार को लेकर के बहन को लेकर के अब इतनी मेहनत आपने किया है, तो अब उत्तराखंड सरकार से आखिरी शब्द क्या कहना चाहेंगे? नहीं उत्तराखंड सरकार से तो मेरी यही इल्तिजा है कि मैंने जो है एप्लीकेशन भेजी है सर्विस के लिए, और उस पर जो है जल्दी से जल्दी एक्शन लेकर के और बहन को जो है क्योंकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो, कब तक वो हमारे सहारे पर रहेंगी। सरकार अगर नौकरी देगी तो हमें भी लगेगा हाँ बीजेपी सरकार हमारी राज्य सरकार जो है मुस्लिम पीड़ित ट्रिपल तलाक से पीड़ित महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती है। बहुत अच्छा, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा।